फ्रैक्शन फॉर्मूला, ये आपने टेंथ में पढ़ा था वही है। अंतर ये टेंथ में 2D था, ये 3D है। 2D में दो कोऑर्डिनेट होते थे एक्स वाई, यहाँ पर तीन है। तो मान लो पहला ये पॉइंट होगा P जिसके कोऑर्डिनेट x1, y1 और z1। दूसरा पॉइंट है Q जिसके कोऑर्डिनेट x2, y2 और z2। एंड वी हैव टू फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट R विच डिवाइड PQ इन अ रेशियो ऑफ m:n। सो कोऑर्डिनेट ऑफ R, वही फॉर्मूला लगेगा जो आपने टेंथ में लगाया है। z वाला पोर्शन वाला जाएगा, x वाला पोर्शन कैसे, m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस इससे आएगा r का x वाला पार्ट। y वाला बोलो m y2 n y1 अपॉन m प्लस n, इससे आएगा y। और z बस यही तक आपने पढ़ा था, z का भी आ जाएगा mz2 प्लस nz1 अपॉन m प्लस n। अच्छा, इंटरनली एक्सटर्नली पढ़ा था टेंथ में, वो नहीं पढ़ा था शायद, है ना। अगर वो जो r है वो PQ लाइन सेगमेंट के बीच में कहीं पड़ता है तो उसको इंटरनली बोलते हैं। बीच में का मतलब यहाँ कहीं पड़ता है, इनसाइड PQ पड़ता है तो इंटरनली बोलेंगे। और अगर कोई पॉइंट इंटरनली डिवाइड कर रहा है किसी भी रेशियो में तो यहाँ प्लस आएगा, ठीक है। और अगर एक्सटर्नली बोल देता, एक्सटर्नली का मतलब ये होता है आर जो है PQ के बीच में पड़ा, भार पड़ रहा है तो भार भी पड़ने से वो डिवाइड कर सकता है, तो उसका एक्सटर्नली बोलते हैं। पर एक्सटर्नली जब बोलते हैं तो यहाँ पर आएगा माइनस, यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर माइनस, जहाँ पर प्लस लगा हुआ है बीच बीच में और माइनस आएगा, इतना सा फर्क आएगा। जब क्वेश्चन आएगा तो फॉर्मूले माइनस लगा दिया करेंगे, ठीक है। अगर स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 12.3, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट विच डिवाइड अ लाइन सेगमेंट। अब देखो मैं एक्सटर्नली का ही करा देता हूँ सीधा। वो कह रहा है 12.2 का, 12.3 का फर्स्ट का सेकेंड, वो कहते हैं उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताओ जो -2, 3, 5 को और 1, -4, 6 को जोड़ने वाली लाइन को 2:3 एक्सटर्नली में बांटती है, ठीक है। तो सेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे, और एक्सटर्नली वाले में माइनस आएगा तो क्या आएगा m x2 माइनस n, और n की वैल्यू इस बार क्या है m x2 n होता रेशियो, तो 2 और 3, और m माइनस n m y2 माइनस n y1 अपॉन, जहां प्लस है वहां माइनस करेंगे बस। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एक्सटर्नली, इंटरनली होगा तो प्लस ही आएगा। mz2 माइनस nz1 अपॉन m माइनस n। पहला पॉइंट ये है x1 y1 z1, दूसरे पॉइंट ये है x2 y2 z1। तो समझ में आ रहा है m x2 2 into 1 आगे समझ में आ रहा है, माइनस n x1 प्लस हो जाएगा क्योंकि फॉर्मूले का माइनस और x1 की वैल्यू भी माइनस, समझ आ रहा है। नीचे m माइनस n 2 माइनस 3, क्लियर। 2:3 कहां से आया, ये क्वेश्चन में दिया 2:3 रेशियो में बांट रहा है, एक्सटर्नली बांट रहा है, और ये भी बताएगा कि इंटरनली बांट रहा है या एक्सटर्नली बांट रहा है, ठीक है। अगला यहाँ पे कौन बोलेगा, सौरभ बोलो। ये पॉइंट है, ये रेशियो है, यहाँ पे है वाई वाले के लिए माइनस 8, ठीक है। m y2 माइनस 8, फिर माइनस 9 2 माइनस, समझ आए सबको। n y1, n है 3 और 3 9, अब कौन बोलेगा, साहिल, क्योंकि इसे ये नहीं पता ही कहां से आया, अब पता चलेगा। अब बता नहीं पा रहे क्योंकि सोच रहे हैं ये कहाँ से आ गया अंदर। हो गया 2 into 5 तो पता नहीं कहाँ है, ये ये रहा z2 5 z2 6 तो m z2 m
ये देखो मैं बता देता हूँ आपको, लिख के बता रहा हूँ मौका हो। एक्स वन वाई वन है पहला पॉइंट है तो वो एक्स वन वाई वन जेड वन, दूसरा पॉइंट है तो एक्स टू वाई टू जेड, रेशियो दिया हुआ तो रेशियो मतलब एम हो गया ये एन हो गया, क्लियर। अब एम जेड टू ट्वेल्व, एन जेड वन माइनस पंद्रह अपॉन एम माइनस एन, तो माइनस थ्री, ठीक है। तो रिक्वायर्ड पॉइंट आ जाएगा 8 बाई माइनस वन माइनस 17 बाई माइनस वन माइनस 3 बाई माइनस एट, ठीक है, विच इम्प्लाइज माइनस एट माइनस एट सेवेंटीन और थ्री। ये वो पॉइंट है जो इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन को एक्सटर्नली 2:3 में बांटता होगा, समझ में आया। इंटरनली वो तो प्लस आएगा, कर लोगे ऐसे क्वेश्चन।